हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SH सिलाई सेंटर में। तो दोस्तों, आज आपके सामने चोली में चैन लगाकर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि चोली में चैन कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये चोली हमने पूरा तैयार कर लिया, सिर्फ इसमें साइड लगाना बाकी है। तो साइड लगा कर आपको बताएँगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, दाहिना साइड में हम पूरा साइड लगा लेंगे और चैन जो हम लगाएँगे वो बाएँ साइड की तरफ लगाएँगे, क्योंकि चैन हमेशा बाएँ साइड की तरफ ही लगता है। और दाहिने साइड हम पूरा साइड लगा लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे दाहिने साइड पे पहले हम पूरा साइड लगा लेते हैं। एक साइड चेस्ट आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। हम यहाँ पे देखें चेस्ट अच्छे से, कमर को भी रख लेना है बराबर करके, क्योंकि पल्ला बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमारा एक तरफ साइड लग चुका है, दाहिने तरफ हमने साइड लगा लिया। चलिए बाएं तरफ भी, हम बाएं तरफ हमें थोड़ा सा साइड लगाना है, पूरा फुल साइड नहीं लगाना है, 2 या 2.5 इंची हमें रख लेना है। तो चलिए इसका चेस्ट नाप लेते हैं। तो चेस्ट इसका है 20 इंची, 20 इंची चेस्ट है, और कमर हम इसका रखेंगे 18 इंची। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 से 2.5 इंची तक साइड लगा लेना है ऊपर से, और कमर जो है देखिए, कमर भी हम यहाँ पे नाप कर और मार्क लगा लेते हैं। तो कमर हम यहाँ पर रख रहे हैं 18 इंची, 18 इंच पर पकड़ कर और अच्छे से सिर्फ 2 या 2.5 इंच पे ही सिलाई लगाए, बाकी हमें छोड़ देना है, क्योंकि उसके नीचे जो है चैन लगेगा। तो चैन जो है दोस्तों, नीचे की तरफ बंद होता है और ऊपर की तरफ खुलता है, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने ये यहाँ पे मार्क लगा लिए है। तो देखिए, यहाँ पे हमने, चलिए आपको ये कमर फिर से हम नाप लेते हैं। यहाँ पे तो 18 इंच है, यहाँ पे कमर रखना है 18 इंच पे हम नाप कर और ऊपर से चक मिट्टी से हम निशान लगा लेंगे, ताकि इसी निशान पे हमें चैन लगाना है। तो अभी आप अपने कमर के हिसाब से चैन लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने ये चैन ले लिया है, और चैन में जो गुंडी है दोस्तों, जो चैन का जो गुंडी होता है वो नीचे की तरफ हम रख कर और हम साइड लगा लेंगे, अच्छे से चैन लगा देंगे। तो देखिए, 1 इंची हम चैन ऊपर निकाल कर और उसके बाद सिंगल बूट की मदद से हम चैन लगा लेते हैं। तो ये देखिए, चैन को आपको थोड़ा सा एकदम चैन के जर में सिलाई चलना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने साइड लगाया है वहीं पे आप अच्छे से मिलाकर और यहाँ पे बांध के हटा दीजिए। तो एक तरफ ये साइड लग चुका है, चलिए दूसरी तरफ भी हम चैन लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से रखना है, और जहाँ हमने साइड लगाया था उसी सिलाई के हिसाब से हमें सटाकर और चैन को रख लेना है। इसको भी हम इसी तरह से चैन लगा लेंगे, 1/2 इंची नीचे निकाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लग चुका है। चलिए अभी से 1/2 इंच जो निकाले उसे अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देते हैं। तो दोनों तरफ आप भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें चैन को, एक तरफ हो गया है फोल्ड में, दूसरी तरफ भी इसी तरह से चैन को फोल्ड कर देंगे, ताकि जो चैन है वो लगाने पर बाहर नहीं निकल पाए, इसे अच्छे से टाँक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फाइनल लुक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चैन पूरा लग चुका है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों चैन लगाने का। अगर आप एक बार देख ले, आपको नहीं आता है, फिर भी आप लगा सकते हैं देखकर। तो ये देखिए, फाइनल लुक बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप सूट में भी लगा सकते हैं, कुर्ती में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप चैन इसी तरह से आप आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।